खलील साहब जहाँ होते हैं वहाँ जज्बात नहीं होते हम अक्सर आपको शॉर्ट टेंपर एग्रेसिव आप इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ जाता है आपको फील्ड में गिव एंड टेक का अभी भी कल्चर है कि एक लड़की खूबसूरत होने के टैलेंटेड होने के बाद भी उसे आगे आने के लिए ये कास्टिंग काउस से गुजरना पड़ रहा है ये सारी, सारा कुछ मर्जी से होता है तो एल के बारे में भी कुछ आप बता दीजिए अक्सर देख रहे हैं कि नेटफ्लिक्स एमज़ोन में जो आजकल सीरीज लिखी जा रही हैं उसमें इंफिसाइज कराई जा रही है कि एल जो लेसबियन गे बायोसेक्शुअल और ट्रांसजेंडर को प्रमोट किया जा रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है ये जो ये लेसबियन भी रहेंगे ये गेज भी रहेंगे ये आपस में शादी करते करते तो उनको सत्तर फीसद फील्ड शायद मुझे पता चला था कि वो आप

लेके आई डॉक्यूमेंट्री के थ्रू कुछ लोगों ने कहा कि पाकिस्तान की नेगेटिविटी गई है इसका आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू उसको बोली ना यहाँ के काम करके दिखाया यहाँ शॉर्ट भी लेना आता उसको इंडिया से ऑफर हो एक प्रोजेक्ट इंडिया के सब ऑफर ठुकरा चुका हूँ बस कर दिया अल्लाह मज़ीद ख़वातीन हज़रात मैं हूँ नाज़िर अली इनकी हर बात करती है दिल पर असर रुको ज़रा करो सबर खलीलुर्रहमान कमर सर। शायर है तो कोशिश की है हमने भी टूटा फूटा शेर आपके बार बार। पेश करें। कबूल कीजिएगा कैसे सर है सर ठीक ठाक है कबूल किया कबूल किया आप पे अपने निकाह में मुझे <laughs> <laughs> कराची का माना होता है आपका कराची अक्सर मैं यहाँ पे आठ साल में

तुम तो मेरे जैसे नहीं हो ना मैं हम आपके जैसे हो भी हाँ, नहीं सकते नहीं वो इस हवाले से, से नहीं कह रहा हूँ जी जी मुझसे सब प्यार करते हैं वो भी जो जिनसे वो उनके साथ जाती जाएंगे उनके, ना उनके, उनके साथ जाती हो रही है जिस अब... मुल्क में इस कदर बेरोजगारी होगी तो कोई अपने बाप को दवा के बगैर मरते हुए नहीं देखेगा सर बेरोजगारी और बगैरती में फर्क नहीं है नहीं नहीं सारी की सारी बेगैरती नहीं है इसमें बहुत सारा फैक्टर याद रखना बेरोजगारी का है लेकिन अगर एक बंदा बेरोजगार है और वो एक बंदे की महीने की तनख्वाह छीन के चला बात जाता आती है एक बात याद रखिएगा कुत्ते को पालिए जब तक खाना देते रहेंगे तलबे चटता रहेगा हाँ। खाना चार दिन बंद कीजिए आपके बच्चे खाएगा वो अच्छा हाँ। खैर आपका पॉइंट ऑफ व्यू है हम तो उस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन खलील साहब बहुत बुरा हाल है बहुत बुरा हाल है बहुत बुरा हाल है जब माशरा जब तलपट होता है ना तो हमें वो लोग बुरे लगते हैं

कि मैं उसकी आपकी उस बात से सरिया ने इखिलाफ करता हूँ जी कि जहाँ इल्म होता है वहाँ जज्बात नहीं होते सही है बेवकूफ़ों और बे, गैर जज्बाती लोगों के यहाँ इल्म होता ही नहीं पहली तो बात है फिर उनको जज्बात में आने की ज़रूरत क्या है और दूसरी बात मुझे बताइए कहाँ मैंने खींच कर कुछ मारा देखिए तासर में ये बात कर देना अभी मेरे मेरे ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा हुआ है मैं थोड़ा लाउड बोलता हूँ और दूसरा मेरे पास मुझे अल्लाह ने दलील दी हुई है तो मैं पूरे एम्फेसिस के साथ बोलता हूँ तो लगता है मैं गुस्से में हूँ लेकिन अगर एक जाहिल आदमी के पास जवाब ना हो तो वो इसको यही समझेगा कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ मुझे जवाब दीजिए मैं दलील के सामने हार जाने को प्रेफर करता हूँ मुझे अच्छी दलील द, दलील दे दीजिए मैं ढूंढता हूँ खलील साहब कास्टिंग काउच के बारे में जरा खुल के लपकुशाई कीजिएगा क्या फील्ड में गिव एंड टेक का अभी भी कल्चर है कि एक लड़की खूबसूरत होने के टैलेंटेड होने के बाद भी उसे आगे आने के लिए ये कास्टिंग काउच से गुजरना पड़ा कास्टिंग, है। कास्टिंग काउच के काउच के इस कॉन्सेप्ट को इस हवाले से वन साइड नहीं मानूँ इट इज नॉट लैट आप क्यों मान रही हैं आप नहीं मानेंगी तो कास्टिंग काउच का कॉन्सेप्ट का खड़ा ही नहीं होगा तो उन्हें काम भी नहीं मिलेगा तो हमने काम किसके साथ करना फिर हमें काम करना है ना लड़कियों के साथ सही है

तो ये मत कहिए कि वो मैं अपनी मजबूरी से मांगी क्यों क्या मजबूरी है तुम्हें बेहूदा और फरसुदा लफ्ज़ है एल जी बी टी के बारे में भी कुछ आप बता दीजिए आप क्योंकि हम अक्सर देख रहे हैं कि नेटफ्लिक्स एमजॉन में जो आजकल सीरीज लिखी जा रही है उसमें ये बात इंफिसाइज कराई जा रही है कि एल जी बी टी जो लेसबियन गे बायोसैक्शुअल और ट्रांसजेंडर को प्रमोट किया जा रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है मैं समझाता हूँ आपको ये बातें मैं बहुत देर से समझा रहा हूँ पंद्रह सोलह चौदह पंद्रह साल से जब से मर्द की बेजती शुरू हुई थी ना टीवी के ऊपर और बिला रीज़न शुरू हुई थी तो मैं चीख रहा था कि मेरे मुल्क को मौजूद से हटाया जा रहा है इसके पीछे कोई इंटरनेशनल कॉन्सप्रेसी है अगर अभी आप दो तीन चार साल और थम जाइए अगर हम इस पर काबू ना पा सके तो जो काम नेटफ्लिक्स कर रहा है वो आपके चैनल भी कर रहे होंगे हमारा प्रॉब्लम यह है एक गरीब और उधार मांग कर खाने वाले कॉम की काम कौ, होने की वजह से हम पर बाहर का सारा करिकुलम जो है वो थ्रस्ट कर दिया जाता है उस थ्रस्ट करने से नुकसान क्या होता है उनका टारगेट है मेरे दीन को इंसल्ट करना वो गाहे गाहे दामे दर में इस तरह की हरकतें करते रहते हैं कभी नाजुबिल्ला उस उन्होंने मेरे वसल्लम की बेहरमती की है जब इससे बात, बात निकलती है तो वो कोई औरत मार्च निकाल लेते हैं से बा, बात निकलती है तो एलबी जी टी जी टी का जीजी, जीजी, कर लेते हैं ये सारे सिलसिले चलते रहेंगे टू जस्ट गिव ए रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम एंड इमेज ऑफ दीन उसमें आपको uh, खबरदार रहना चाहिए इंस्टेड के यू जस्ट वो तो दे आर डूंग लेकिन उनकी एक जगहें हैं जहां ये सारे कुछ हो रहे हैं आपके जब ये शुरू होता है

दीन हमारी शरीयत इसके खिलाफ अर्ज कर रहा हूं बात इनको आप इसको बस लीगलाइज ना कीजिए नहीं करें इसको होने से नहीं रोक सकते आप गुनाह कभी होने से रुका है हाँ। बताओ ना सही गुनाह तो सारे माशरों में हो रहा है देखना यह है कि वो माशरे को डिस्टर्ब कितना कर रहा है क्योंकि इसके पीछे भी देखा जाए ना तो राइटर ही है ये जो नेटफ्लिक्स की जो सीरीज मैं, लिख मैं रहा मैं आप है आपको राइटर तो, का, हाँ, राइटर, आपा राइटर आपा। का समझिए मैं, मैं चौबीस सालों से देख रहा हूँ मेरे यहाँ जब आपकी मजबूरिया बिकती हैं ना तो आपका कलम बिकता है चूल्हे के मसाइल घर में बच्चे रोते हुए बच्चों के मसाइल जैसे मैं अभी कह रहा था मैं उनको प्लीट तो नहीं करता उनको जो क्राइम क्राइम्स crime, हो रहे हैं hmm. लेकिन एक जो वेलफेयर स्टेट होती है वो अपने लोगों को जॉब देती है उसमें पढ़े लिखे लड़के हैं बहुत ऐसा नहीं कि एवरीबडी आई एम प्लीडिंग फॉर, लेकिन जो लोग पढ़ लिख के बेरोजगार हैं वो क्या करेंगे इसी तरह यू कम डाउन टू दिस पर्टिकुलर थिंग ये सेम थिंग इज हैपनिंग देयर और इससे बचना होगा अन हम अपने पैसे बना के बाहर जाके महलात महिलात खरीद लेते हैं और उनकी हिफाजत करने के लिए हम पूरे मुल्क को दाव पे लगाए रखते हैं यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं होगा सर आप ओन करते हैं माशाल्लाह एज अ राइटर और पाकिस्तान इंडस्ट्री के आप एक नाम है आजकल पाकिस्तानी कुछ ड्रामाज में कुछ ऐसी भी स्क्रिप्ट आई है जिसमें ससर बहू पे नजर रखा हुआ है और देवर और अपना भाभी का गेम ऑन है तो ये गंदी स्क्रिप्ट जो है और ये लाइक इसमें सेक्सुअली एक वो अटैचमेंट जो है रिश्तों की ये का क्या है इसके बारे में भी पता है इस आ, स्क्रिप्टों को खोले ज़रा रिश्तों का मजाक उड़ाया गया हमारे यहाँ बड़ा एहतराम होता है सालियाँ बिल्कुल बहनों की तरह होती हैं गुनाह भी होते हैं एट द सेम टाइम उन गुनाहों को डिस्कस नहीं किया जाता उन पर थूका जाता है तो इंस्टेंट के उनको माशरे से अलग किया जाता और उनको गुनाह मतसवर करके उनको सिर्फ गाली दी जाती उसको टेलीविजन स्क्रीन पर लाना जो है वो असल में जब एक ड्रामा चलता है तो एक पूरे सेटअप जो सोशल सेटअप है उसकी रिप्रेजेंटेशन हो रही होती है।, सही है और बाहर ये मैसेज जाता है कि हमारे यहाँ ये हो रहा है उसका नतीजा क्या हुआ वो जो हमारे मोहब्बतें होती थी अपनी सालियों से प्यार होता था जो बहन भाइयों वाला उसमें दरार पड़ी है हमारे अंदर कहीं वो खलजान पैदा हुआ है गंदा नज़रिया आ गया या हाँ। उसका नुकसान हुआ है लेकिन मैं फिर अर्ज करूं जिस तरह आज आ, इंतहा दर्जे की महंगाई के ज़माने में मेरे हाँ मेरे मुल्क की बच्चियाँ बिक रही हैं गरीब आदमी की इसी तरह मेरे यहाँ राइटर बिक रहा है आप क्या राइटर बिकता है राइटर बिकता है या? अच्छा। वो क्या करे कहाँ से कमाए ये काम उसको उसको उसके अलावा काम ही कोई नहीं आता क्या करे वो मोबाइल ये कम मोबाइल छीनने से बेहतर है ये मजबूरियाँ बिक रही हैं वहाँ आपका जो एक कंटेंट डिपार्टमेंट नाम की एक शायद हर चैनल के अंदर वहाँ नाइन्टी नाइन परसेंट फैमिलिस्ट बैठी हुई हैं और जो बैठा हुआ है वो भी तकरीबन बैठी हुई है अच्छा हां। ये वो गुना है जिसकी सजा बोल रहे हम और वो डिक्टेट करते हैं राइटर्स को नए राइटर्स को। सही है हमने ये चीज़ फैशन इंडस्ट्री के बारे में तो सुन रखी थी कि लड़का लड़का नहीं है, भी लड़की लड़की नहीं है ये शौक है आ, समझ रहे हैं बात को तो यहाँ के भी आज आप ये बता रहे हैं नो कॉन्टेंट स्क्रिप्ट सख्त उस मामले में हाँ। दिखना छोड़ दूंगा उस दिन अगर मेरा स्क्रिप्ट जो किसी है किसी कॉन्टेंट हट गए वो सिर्फ उसकी उसको पढ़ सकता है पढ़ सकता है उसके ऊपर राय नहीं दे सकता नर्स वाली सख्ती है सारी सर अगर, आपको कोई ऑडिट नहीं कर सकता आपको चेक नहीं कर सकता आपको क्या देखो आप आइए हाँ। आपके पल्ले कुछ है मुझे चेक कर लीजिए नहीं नहीं मैं तो एक सवाल कर रहा उनकी बात कर रहा तेरी बात नहीं कर रहा हूँ किसी में दम है तो आके आप कौन हो जो मुझे चेक कर रहे हो पहले ये तो तारुफ करा दीजिए ना हाँ हाँ ये ऐसा ही है कि कॉमेडी का ऑडिशन कोई ऐसा बंदा ले जिसने खानदान के सारे जनाजे रुलाया हो सारी उम्र हाँ हाँ कॉमेडी का ऑडिशन हो खलील साहब पाकिस्तानी फिल्म को भी डिस्क्राइब करें पाकिस्तानी फिल्म ड्रामा क्यों लगती है कैसी ड्रामा लगती है मुझे एक बात बताएं आपका होस्ट एक महीना रमजान ट्रांसमिशन कर रहा है और ईद पे ही उसको आवाम देखने जाए हाँ ये जिसको बात आप फ्री में ही देख रहे ड्रामे की बहुत सारी कास्ट फिल्म में आ गई है, है ये गलत लेकिन इंड इंडस्ट्री चूंकि पाताल में गई हुई है उसको खींच कर वापस लाना है। वरना ये डिस्क्रिमिनेशन होगी एक दिन और वही ठीक वक्त होगा जब ड्रामे का एक्टर लादा होगा और यहाँ से आपको तरक्की करके फिल्म के एक्टर तक पहुँचना होगा वो ये हुआ करता था पहले जो अब नहीं रहा क्योंकि इंडस्ट्री नहीं रही सर एज अ व्यूअर मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि देखें हम तो क्वालिटी कंटेंट कहीं भी देखना चाहेंगे हम बाहर के देख रहे हैं हम कभी कभी कोरियन सीरीज देखने लग जाते हैं हमारा कोरिया से कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन है। बात यह है कि पाकिस्तानी फिल्म कभी कभी ड्रामा ही लगती है जो लो बजटेड फिल्म हैं जो पाँच पाँच दस दस करोड़ में बन रही है वो तो वही लग रही है क्योंकि डायरेक्टर ड्रामे वाला और फिर राइटर भी शायद ड्रामे वाला ही है कास्ट भी ड्रामे की है क्रियू भी ड्रामे का है तो माहौल भी मेरा ख्याल है वो सेट भी ड्रामे वाला ही है तो फिल्म लगी नहीं थी आप इस मैं भी ड्रामा लिखता हूँ साथ फिल्म लिखता हूँ हाँ। मेरी तो मैं कौन सी फिल्म लगी को ड्रामा था मैं मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ सर बात, तो की बात, भी भी बात, भी बात नहीं कर रहा मैं बैठा हूँ तो मेरी बात करो बस दूसरों के बारे में कमेंट मैं इस पे आपको पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रहा हूँ कि ऐसा है या नहीं है ऐसा इसलिए लग रहा है आपका जो इमिजिएट उसको कहते हैं इमेज वैल्यू इमेज वैल्यू ये बन गई है कि सारे एक्टर्स जो कि ड्रामा से आ रहे हैं तो आपको लगता है पार्टली यू आर वॉचिंग ए ड्रामा फिर ड्रामा के राइटर जो है फिल्म उसका उसका फिल्म का राइटर होने में एक सफर है जो उसने नहीं किया हुआ कुछ कही, कहीं कहीं गलतियां हो रही हैं ऐसी तो उसे लगता है ऐसा ड्रामा हो रहा है सर 70 फीसद फील्ड शायद मुझे पता चला था कि वो आपके साथ शायद काम करते हुए कंफर्टेबल नहीं है क्या आप इस बात से सहमत है किस उल्लू के पट्टे ने कहा तुम्हें ये यहाँ तो दुआएं मांगते हैं अल्लाह खलील रमान की स्क्रिप्ट मिल जाए वाकई अल्हम्दुलिल्लाह बट ठीक है तो आ, लेकिन ये ये जो तो मैं किसने कहा कुछ आठ दस बड़े नाम है जो ये कहते हैं कि हम ओन उन नहीं करेंगे वो उनको मैंने कभी कास्ट नहीं किया होगा अच्छा हाँ वो बड़े नाम कैसे हैं जिनको मैंने कभी कास्ट नहीं किया नाम बताऊ ना जिसको मैंने कास्ट किया और उसने ये कहा है मैं मान जाऊँ जैसे आप माहरा खान का अक्सर बोल को देखो के अभी बहुत मैं अभी शायद माह को अगले के चंद दिनों में माफ़ कर देने वाला हूँ माहिरा ने मेरी जिंदगी का बेहतरीन जो मेरी जिंदगी पर सीरियल था वो किया हुआ है माहिरा ने बेवकूफ़ी कर दी जब ये मारवी सरमस वाला मामला हुआ अगले दिन एक गंदा घटिया ट्वीट कर दिया हाँ। उसके अगर? उसके हक हक में में और मेरे खिलाफ हुआ बहुत हाँ। उस पादाश में ना उसको मेरे पास तुम्हों मिला ना उसको लंदन नहीं जाऊंगा अच्छा ये वरना आप उनको उनके लिए वन ऑफ द टू आई मस्ट हैव ओके लंडन नहीं जाऊंगा शायद वह होती अगर ये गुनाह ना हुआ होता तो शी हैव बीन कुछ ऐसी और गलतियां थी वरना मेरा उसका बड़ा रिस्पेक्ट का रिश्ता था तो हो जाएगा उस, उसके साथ मुझे आप बता रहे हैं कि वो मेरे साथ काम नहीं करना चाहती उसकी तो हुमायूं सईद और तो नदीम बेग ने पता नहीं कितनी मेहनत कर छोड़ी मैं अब माफ़ कर दूँ नहीं आज इंशाल्लाह ये आप कैमरे के तबस्त से नहीं ये दे मैं, हम करा मैं, के रहे मैं दे तो, इसका रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम आपसे दे दे क्योंकि अच्छा नाम है आपके प्रोजेक्ट में काम करेंगे हमें अच्छा लगेगा खलील साहब ड्रामों में दुपट्टा क्या गुर्बत की सिंबल है जब किसी गरीब करेक्टर औरत का दिखाया जाता है उसे अच्छा सर तक दुपट्टा उड़ा तो दिया तल जाता तल है ये ये मजाक उड़ाया गया इसमें कोई शक नहीं और अमीरों के लिए, लिए दुपट्टा होने के? ना होने को हयादारी नहीं मानता और पर्दा नहीं मानता पर्दा आपकी ये पलक है आंख की अच्छा अगर आप किसी कोई नजर आपको देख रही है और आपने पलकें झुका ली है तो आपने पर्दा कर लिया है और अगर आपने कोई मुसलसल देख रहा है देख के मुंह फेर लिया तो आपने शटाफ कॉल दे दी है हमें यह समझना होगा ये लड़कियों के ऊपर ये वाले ताने कसना बंद कर दीजिए कि उसने दुपट्टा नहीं लिया हुआ था उसने क्या नहीं किया हुआ था अगर वो शर्म वाली है तो उसे इसके लिए अशद जरूरत नहीं कि दुपट्टा ही ले अच्छा आप दुपट्टे को मतलब डिस्क्रिप्शनरी पावर है नहीं दीजिए उसको वो चाहे तो उस अपने आप को इस तरह हया वाला बना ले वरना काफी बन सकती है सर एक मुझे जरा बताया ना थोड़ा सा मेरे में इजाफा करे एक लड़की है जिसने अपना फिगर पूरा आया किया हुआ और वो अंदर से बोल रही है कि भाई मेरे अंदर को कोई नहीं जानता मैं बहुत हया वाली हूँ लेकिन नुमाइश पूरी की हुई है तो आपने जो बुरके देखे आजकल देखो हया को मत अटैच करो लड़कियों को इस तरह बोरियों में बंद कर देने देने से हया आँखों में होती है आंखें जब पलक झुकाती है ना लड़की तो आपका कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाता है उससे सर, लेकिन आपको नहीं लगता हम मुसलमान है हमारे कुछ प्रोटोकॉल पहले सुनिए ना पहले और अपनी निगाहें नीची रखी है चलो उस मजहबी बात करनी है तुमने नहीं नहीं मजहबी नहीं लेकिन एक अपनी निगाहें नीची रखी और शतर ढांपिए ये हुक्म है ओके दुपट्टा कोई इस्लाम में था ही था कोई कौन किसने दुपट्टे पहने हैं लिया लिया करते चादरे लिया करते थे, थे। और पता नहीं क्या। वो यो है। तो वो तो का ना तेरी हाँ। आप उसको अब के को आप हाँ, हाँ, हाँ। तो तो छे छे आप? इस्लामी लिबास समझते हो लोगों को अभी इल्म नहीं के बारे में वो शटरकॉप जो मर्द की इन सिक्योरिटी की इंतहा अच्छा शटर कॉप वाला ऑफ कोर्स उसमें मर्द छेड़ता भी नहीं था औरत को वो इसलिए कि हमारे घर तो का ना निकला मर्द है। तो कहीं भी दीवार के पार भी लड़की को डिफाइन कर लेता है इस कदर दो नंबर है वो अच्छा अंधे को यही एहसास काफी है कि यहाँ पे औरत है जब वो पलक झुकाती है वो आपको अंधा कर देती है वो अच्छा ये बहुत बड़ा पर्दा है इसलिए बार बार हुक्म आया और निगाहें नीचे रखिए हमारे लिए भी है वो इट इज नॉट ओनली फॉर वीमेन इट इज फॉर अस टू खलील साहब पाकिस्तान में पोर्नोग्राफी बैन है लेकिन उसके बावजूद हर घर में प्रॉक्सी चलाई जा रही है हराम कमाना भी बैन है। सब रुक जाओ ना पोर्नोग्राफी पे आ गया है जी जी पाकिस्तान में करप्शन भी बैन है

हलाल का लुकमा उतरता है ना तो हलाल ही होता है वरना आप जहां बाजार हुसन हुआ करते थे जिसको हीरा मंडिया बोलते हैं जी जी वो शहर के बीचों बीच होती थी सही है जिन्होंने नहीं जाना होता था वो कभी नहीं जाते थे समझे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता आप जब बच्चे को हलाल हलाल कमाते हैं हलाल खाते हैं यू बिकम बिकाम रोल मॉडल फॉर द किड वरना आपका इन हाउस ब्रेकअप होता है आप कहानी हो जाते हैं एक दूसरे को बच्चे का मुंह बंद रखने के लिए आप एक्स्ट्रा मली देते हैं जब आप हराम कमा रहे हैं बीवी का मुंह रखने के बंद कर रखने के लिए आप एक्स्ट्रा मनी देते हैं तो एक डाइनिंग टेबल पर पांच छह घर वाले जो हैं काने बैठे हुए हैं एक दूसरे के तो कानों में अथॉरिटी नहीं होती दे कैन नॉट एक्सरसाइज अथॉरिटी ऑन ईच अदर तो फिर आप यू कैन नॉट मेक देम स्टॉप एक तो ये आ गया पॉइंट पॉइंट यही एक है भाई और मतलब बच्चों को मोबाइल दे दें कोई फर्क नहीं पड़ता आप बच्चों आप खुद इस्तेमाल हैं दे और वो दो चार अरे भाई आप बी ए रोल मॉडल ना देखो जब आप हराम कमाते हैं तो वो हराम के कामों में इस्तेमाल होता है अच्छा हाँ, तो उसमें बच्चों की एक्टिविटी भी आती है यू शुड यू मस्ट बी ट्रस्टिंग योर किड्स यार यू बिकम ए रोल मॉडल यू आर नॉट कमिटिंग एनी क्राइम आप सिगरेट पी के बेटे के कान पकड़वा के ये नहीं बता सकते कि यार मैं इसको इसलिए कान यारकड़वा इसने सिगरेट पी पिए क्योंकि बच्चा वो नहीं करता जो आप उसे कहते हो बच्चा वो करता है जो आप यू हैव टू टेल कि मैं नहीं करता ये आ, आप आप जब घर पे खड़े होकर कहते हैं बाहर कह दो कि मैं घर पर नहीं हूं

टेलीफोनिया बीमारी मोबाइल नहीं है हम लोग हैं रुपए का इंटरनेट पैकेज हो गया ठीक है हो गया आप ये देखें कि और आपने हलाल के पैसे बच्चे के मुंह में डाले होते हैं ना वो नहीं करता ये मैं आपको गारंटी करता हूँ आपको पता ही नहीं ना चूंकि हम माशरे को उठाकर वहां तक ले आए हुए हैं जहाँ हमें हलाल हराम की तमीज़ नहीं रही जो हराम कमाने वाले हैं उनको फख्र से बोलते हैं हमारे दोस्त हैं अच्छा वही वाली बात है कि हराम के पैसे लिए हलाल हला ढूंढ रहे हैं हराम के कमाए हुए पैसे हराम कामों में जाएंगे दैट आई कैन बेट ऑन राइट इन माय ब्लड पसंद की शादी पे जरा बताएं अभी भी पाकिस्तान का जो माशरा है वो बेटी बाप को नहीं बताती की अब्बा ये लड़का मुझे पसंद इसमें बापों की गलती है इसमें बापों की गलती है क्या पता हमारे अर्बन एरिया में रहते हैं ना आपको पता नहीं है दुख का हमारे यहाँ बाप जो हैं वो सोई हुई रात को बेटी को जगाते हैं माँ जाके जगाती है कि तुम्हारे अब्बा ने बात करनी है तुमसे कोई सही वो बेचारी आंखें मलती हुई आती है उसको बताते हैं कि मैं तेरे फला तुम्हारे कजन के साथ तुम्हारी शादी तय कर दी है क्यों क्यों भाई उसने आगे जाके पचास पचपन साल गुजारने हैं उसके साथ नुँ. उस पर मर्जी चलेगी इट बी हार्ड शी एक्सेप्ट्स इट ऑलराइट एंड इफ शी ड नॉट ऐसा गुना मत कीजिए ये, ये, ये सोशल सेटअप की बर्बादी का स, की सबसे सब बड़ी रीजन है एंड एटी टू नाइनटी परसेंट पेरेंट्स आर डूंग दिस ऑल आज भी yes. आप, आप तो एक बहुत नेग्लिजिबल पार्ट है ये जो अर्बन एरिया है यहां से आगे सारा गाँव है गोड है वही पंजाब का हाल है बारह करोड़ की आबादी में लाहौर में क्या करोड़ अपना पंजाब में करोड़ लोग होंगे जो शहरों में आबाद है तो बाकी ग्यारह करोड़ उनके साथ यही कुछ हो रहा है तो उस उसका नतीजा क्या होता है अच्छा मुझे एक बात तो बताओ जी ये बात तुमने तो लड़कों के बारे में नहीं कही कि लड़का लड़की को पसंद करके आ गया उस दिन तो ब्लश कर रहे होते माँ बाप के गाल तो लड़की के पास लड़की को पसंद नहीं है क्या ये डबल स्टैंडर्ड है और ये इंतहाई गैर शर्य है हाँ आप जब तमीज़ सिखाएंगे लड़की को वो वो पसंद करने का हक है उसके पास वो लिमिट्स क्रॉस नहीं करेगी इतना हक तो दीजिए उसको जहेज पे भी बताइए खलील साहब लानत भेजता हूँ हज़ार दफ़ा लानत भेजता हूँ माशा बहुत अच्छे भाई वेरी गुड अच्छा उस पर भी खलील साहब लानत तो दीजिएगा जिसपे जो ख़ीन और फैमिली जो लड़कियों की फैमिली ये रिक्वायरमेंट रखती हैं कि लड़का टॉल हो तीन लाख तनख्वाह हो अपनी गाड़ी हो और अपना सेपरेट भी रह वो राइट है तो फिर ढूंढ ले है ढूंढ लेना ये भी तो एक तरह का जायज ही है अरे नहीं भैया ये देखते एक तरह का जायज जायज नहीं है नहीं है ये देखिए ये राइट आप नहीं देखते घर में आप घर में बैठ के सोचते कि यार मैं किसी अंधी लड़की से शादी हो जाए मेरी अंधी लड़की से शादी हो जाए लंगड़ी हो लोली हो नहीं तो ये उनका भी राइट है भैया नहीं नहीं वो पैसा मैं कहता हूँ खलील साहब मर्द की एक मिनट भैया मेरी बात सुन लो ये ये गलत है आप ये सोच गलत है गलत जो चीज आई है वो ये है कि लड़कों ने पूछना शुरू कर दिया लड़की क्या कमाती है ये मर्द होने की निशानी नहीं थी तो ठीक है किसी लड़की का ये सोचना कि लड़का अच्छा कमा रहा हो वो टॉल हो खूबसूरत हो कि उसके पास उसका हक है यार। उसकी पे रिश्ता करना हद हो गई यार ये 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 बेस क्या हुआ? क्या हुआ ये वो ये आप ये, आप घर ये बैठ के सोचते हैं कि लड़की के घर खाने को रोटी ना हो नहीं खलील साहब मेरा, मेरा मुझे मुझे और बात पहले उनकी बात करने से पहले अपनी बताओ तुमने ये सोचा था जब तुम यू आर ग्रोइंग अप जहाँ लड़की को खाने को रोटी ना मिलती हो रात को लेकिन कर ली हुई तो बात कर रहे हो नहीं था। मुझे, मैं अभी पूछ रहा हूँ तुम्हें तुमसे नकदी का फाइनेंशियल स्टेटस क्या था ये तो सब सोचते हैं शहर खूबसूरत हो और खूबसूरती के मैार है बाज लड़कियों के लिए खूबसूरती शक्ल नहीं होती करेक्टर होता है आ, कुछ लोग अच्छा उन... आप ये नहीं समझते मर्द की बदसूरती उसकी खाली जेब होती है आजकल के बाद मेरी बीबी ने मेरी जेब में टका लिया था जब शादी की तो मैं कैसे मान लू <laughs> तो आप बिल्कुल भी चेंज बात के रहा है। ये जो लड़का पैसे वाला है खलील साहब जो लड़का पैसे वाला है ना उसका इस्तारा हा ही आता है खलील साहब ड्रामा लिखते लिखते कोई हीरोइन पसंद आ गई हो और ड्रामा लिखते लिखते अपना निका नामा लिख दिया हो आपने कभी तो <laughs> है ऐसा थोड़ा सा तो खोले अपने आ, ना। मैं तुम्हें एक बात बताऊत हो सीधा अपने घर जा रहा है अच्छा <laughs> नहीं? <laughs> नहीं? तो लेकिन मतलब ठीक है लेकिन मर्द की उम्र उतनी होती है जितनी वो महसूस करता है वो महसूस की हुई है मैंने महसूस की हुई है रोमांटिक मतलब कैसे नहीं कौन जीरो आदमी जो रोमांटिक नहीं है अच्छा या वो मिश्रणा है अच्छा तो दिल फेंक आप मतलब है दिल व्हाट दिल फेंक या दिल फेंक अब हम दिल फेंकेंगे हमारे सामने फेंके जाते हैं क्या बात है भाई वाह <laughs> वाह मैं हैरान इस बात पे खलील साहब आपको कॉन्फिडेंस बहुत है अपने ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह ये बात है इसी पे मेरा एक सवाल बनता है कि शायर जितना बदसूरत हो उतना हिट होता है वो किसी जाहिल की इन जाहिल की स्कूटेशन है अच्छा ये वैसे शायर और कॉमेडियन के लिए नहीं, नहीं कॉमेडियन कोई शक्ल कैसे बदसूरत हो सकती है, है। उसकी बनाई हुई कोई शक्ल बदसूरत हो सकती अच्छा, है आप लेके जा रहे हैं दीन की तरफ हमें रोक रहे आप दीन पर बात कर लीजिएगा आपको वैसे रोकता हूँ लेकिन ये फैक्ट है कोई मुसविर ये सोचकर तस्वीर बनाता है कि मैं बुरी बना रहा हूँ और वो तो अल्टीमेट मुशविर है तो ये मेरा और आपका मैार है हम किसी को बदसूरत कह देते हैं किसी को कम सूरत कह देते हैं किसी को खुश खूबसूरत कह देते हैं खलील साहब आपने कभी भी नहीं बताया कि आपके ड्रामे की फीस क्या है लेकिन मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करूँगा फॉर मोटिवेशन जो लोग राइटिंग की फील्ड में आना चाहते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग की फील्ड में आना चाहते हैं फिल्म लिखना चाहते हैं ड्रामा आपके दो प्रोजेक्ट हैं, मेरे पास तुम हो और प्यारे अफजल इनमें से आपने ज्यादा पैसे किसके चार्ज किए थे और कितने किए थे बता। मैं दे नहीं दे कितने नहीं बताऊंगा ज़्यादा। देखिए, किसके किए थे? 2006, हम सब उम्मीद से दिन जियो के साथ एक दिन जियो के साथ उसमें भी यही बता दिया था आपने

आप कंधे से कंधा रख जाए और वो बोलती हैं कि हम शाना बशाना चलेंगे और कंधे से कंधा लग जाए तो वहीं पे फटा करना शुरू हो जाएगा अच्छा ये मेरा जुमला है ये आपका ही है ये मेरा है। ये आप ही जुमला है, है। लो हाँ इस बात पे मैं मोतरज रहता हूँ देखिए नादिर मैं आपको एक बात बताऊँ एक गलत कॉन्सेप्शन पाकिस्तान के सोसाइटी में डाला गया दुनिया में कहीं भी औरत और मर्द किसी तरह उनको बराबरी के पडिस्टल पर, पर खड़ा नहीं कर सकते आप देरार एरियाज जहाँ औरत इतनी बड़ी है कि मर्द उसके पैरों तक को नहीं छू सकता और देरार एरियाज़ जहाँ मर्द इतना बड़ा है कि औरत उस औजे का माल तक नहीं पहुँच सकती बेशक तो ये तफावत जो है वो कुदरत की दी हुई थी और उसमें खूबसूरती थी दोनों जेंडर्स की जो ही हम इस खूबसूरती को जो ज़ायल करने की कोशिश करते हैं तो बदशक्ली शक्ला माशरा नज़र आने लगता है तो देर आर एरिया वर्किंग देर आर एरिया और इकॉनमी का ताल्लुक मर्द से है सोशल सेटअप का ताल्लुक औरत से है अच्छा माशरा हमेशा अच्छी औरत चलाती है मर्द कभी माशरा नहीं चलाता मर्द इज़ ओनली ए कैटलिस्ट एक सपोर्टिंग एक्टर होता है ना किसी ड्रामे में मर्द का रोल माशरा चलाने में वो है या वो नकब लगाता है माशरे में औरत माशरे को अपनी मुट्ठी में भीज कर संभाल के रखती है तो ये वाले दो मुख्तलिफ रोल हैं या तो फिर अगर बराबर हैं तो ड्रामे के हीरोइन को भी हीरो करें और हीरो को भी हीरो करें फिर तो ये क्यों नहीं कहना शुरू करते दिन में लिखते है, रात में उस देने वाला उसकी मर्जी

ट्विटर अकाउंट है वो भी क्यों है उसको भी बंद करें पे पोलिटिकली चूँकि इंगेज करता हूँ मैं तो वो मेरा दर्द जो रहता है अपने लोगों के लिए तो वो मैं फिर ट्वीट करने पड़ते हैं मुझे अच्छा काफ़ी तो देर तो मेरा ट्विटर भी मेरा एसोसिएट इस्तेमाल करता था बस उसको मैं लिख के दे देता था मुझे खोलना नहीं आता था ट्विटर कैसे देखते हैं मैसेज कैसे करते हैं और जब उसको फारिग किया तो फिर मैं साल डेढ़ साल पहले आपको पता है आपके कितने टोटे वायरल होते हैं कुछ पता है आपको या नहीं? वो नहीं सोचता

वो कहा करते थे मेरे खानदान वाले कहा करते थे घर वाले नहीं खानदान वाले खानदान वाले किसने कभी कुछ नहीं कमाएगा ये कभी कुछ नहीं कमाएगा तो अब मैं देखता हूँ कि वो मेरी वजह से कुछ लोग कमा रहे हैं तो मैं खुशी से झूम झूम जाता हूँ नहीं नहीं ये होता है खलील साहब हाँ। कुछ आप व्हाट्सअप स्टेटस लगाते हैं अपनी अचीवमेंट्स के तो कुछ सीन जो होते हैं ना खानदान के के कुछ लोगों के, वो आपको अंदर से बड़ी इनर सेटिस्फेक्शन देते हैं कि देख लिया मेरा ये जो चल रही हो दुनिया की बेस्ट गाड़ी है वो मेरी, मेरी दुनिया की बेस्ट गाड़ी है अच्छा कोई भी कोई भी लेकिन आप इस चीज में थोड़ा मुझे पता चला इस चीज में कॉम्प्लेक्स है कि आप

वाह, बताएं कोई अपनी स्ट्रगल कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल स्ट्रगल बताएं स्ट्रगल का इस्तेमाल नहीं करता मैं अच्छा। स्ट्रगल दो नंबर लोग करते हैं अच्छा एक नंबर लोग मेहनत करते हैं तो मेहनत को को क्या, क्या मेहनत स्ट्रगल जो देखो मैं समझाता हूँ जब आप पूरी दिल जमाई से मेहनत कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि फल को मुझसे ज्यादा मिल गया है तो स्ट्रगल हो जाती है वो ये तो अपने दुखों से दुखी नहीं बात का दुख आपको एक मिनट तो रुको आपको ये जो रमज़ान में तीस रोजे रखवाए जाते हैं हाँ। आप समझ तो रहे होते हैं ये रोज़े का ये टाइम है नहीं है। नहीं रोज़े उसके बाद शुरू होते हैं ईद के बाद ये आपकी प्रैक्टिस हो रही होती है कि ईद के ईद के बाद अगले दिन वो एक नवीद आपके लिए खुशी का देना कि रोज़ा नहीं रखना आपने उसके बाद रोज़ा कैसे रखते हैं आप बाख्तियार हैं आप अपने इख्तियार से किसी का हक नहीं मारते आप रोजा रखते हैं आपके सामने हराम की दौलत पड़ी है और हलाल की भूख है आप भूख चुन लेते हैं आप रोजा रखते हैं आपके पास गुनाह करने की हलियत है आप नहीं करते आप रोज़ा रखते हैं क्या बात है समझे आप आपके सामने एक कमज़ोर आदमी उसने गलती कर दी है आप ताकतवर हैं, बदला ले लेते ले, 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 ले सकते हैं आप बदला नहीं लेते आप रोजा रखते हैं तो मेरे यहाँ ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है पहले तो आप YouTube पे वीडियो डालते हैं और उसे नहीं करते सबसे पहली जो चीज मैंने जिंदगी में सीखी ये कि मुझे किसी से जीतना नहीं है कोई जीतने में कोई हार जाता है क्या बात है वाह वाह मुझे हराना नहीं किसी को वाह तो आप पीछे हो जाया करें ना उसे जिता ना, दिया करें मैं काम उसकी दुआ उसकी कामयाबी के लिए भी दुआ करता हूँ अपनी कामयाबी के लिए भी दुआ करता हूँ मैं अपनी कामयाबी के लिए मेहनत करता हूँ हलाल की मेहनत को ईमानदारी से मेहनत करने को मैं दुआ समझता हूँ मैं दुआ, दुआएं हाथ उठा उठा के नहीं मांगता वो उसने कहा मैं शाहरक के करीब हूँ तो मैं उधर क्यों ढूंढूँ उसको मैं शारक के करीब रखे हुए अल्लाह से बातें कर लेता हूँ लेकिन एक स्टाइल अल्लाह को पसंद है भैया तुम तो अल्लाह जाने ऊपर जाके इस बात पे जूते पड़े गए ये स्टाइल मुझे अच्छा नहीं लगता <laughs> ये तो तुम लोगों ने ज्यूम किया होगा ये स्टाइल अल्लाह को पसंद है अल्लाह को पता नहीं कौन सा स्टाइल पसंद है भैया पॉसिबल हाँ वो क्या है एक शेर है मेरा उसका मंजूर नज़र कौन है मालूम नहीं उसका मंजूर नज़र कौन है मालूम नहीं मुझसा कम वक्त गुनहगार भी हो सकता है क्या बात हाँ तो ये उससे उसकी बात ना करो वो उसकी वही जाने आप सिर्फ कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से किसी को हार्म ना हो और आपके हलाल पैसों का तरीका मैं आपको इक्वेशन बता देता हूँ जब आप घर बैठ के देखे ना कि आपका नफा किसी के नुकसान के बराबर नहीं है तो वो हलाल के पैसे हलाल पे बात हो रही है तो एक शेर मैं भी आपके अच्छा डेडिकेट कर रहा हूँ पर्स में पैसे हलाल रखता हूँ छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखता हो तू तो करके चली जाती हो बालों में कंगी हाँ। एक मैं हूँ संभाल के उस कंघी के भी बाल रखता हूँ भा। <laughs> साहब <laughs> शायरों में बात हो रही है जावेद अख्तर इंडिया मैं पड़ोसी मुल्क में जा रहा हूँ बड़ा नाम है मतलब क्या डिजिट वाइज बोल रहे हैं या कद वाइज बोल रहे हैं या फन वाइज बोल रहे परी और अपनी शायरी के हवाले से अच्छा

पुरानी स्क्रिप्टें बेच रहा है पुराने गानों को रिमेक हाँ। कर रहा है और हयाई को yes. उन्होंने ग्लैमर का नाम दे दिया कैमरामैन कैमरा नीचे छोड़ के चला जाता है और अजीब और हाँ। गरीब एक अल्लाह माफ करे खुदा की कसम क्या कहा जाए रात इंदौरी अभी उनके बड़ा बड़ा, बड़ा शायर अल्लाह उनको कभी करामत करे बड़ा शायर पाकिस्तान में आप जॉन एलिया का बड़ा नाम लेते हैं कि जॉन एलिया मेरा पसंदीदा कभी कभी हमें डाउट हो जाता है कि आप इकबाल से भी बड़ा तो नहीं समझते थे जॉन साहब को अच्छा मुझे एक बात तो बताइए ये इकबाल को किसने आपको बताया कि सबसे बड़े हैं शायरे मशरक कहते थे तो शायर मशरक है ना अब आप हॉकी आपकी कौमी जब एक मिनट आपकी, कौमी मैं आपकी बात का भी तो जवाब दे रहा पहले पहले मुझे जवाब दे देना पहले आपको समझिए इकबाल साहब इतने मोतबर हैं कि वो मेरे कौमी शायर हैं सही है अब ये परवरदिगार एक कुन कहे ना तो दस हजार इकबाल और दस हजार खलील रमान अमर पैदा होते हैं सही है बिल्कुल ठीक है आप उसकी अपना कुदरत के ऊपर तो पाबंदियां ना लगाइए खत्म शायरी ना कर दीजिए उनके ऊपर हाँ। वो बहुत बड़ा शायर है हाँ। लेकिन आपका क्या ख्याल है कुदरत के पास सब औकात नहीं रही कि वो उससे बड़ा शायर पैदा कहता है मैं उससे बेहतर भेजूंगा तो ये वाली ये वाली चीजें जो है आपके अंदर से हजफ होनी चाहिए अपने दौर का जॉन एलिया बहुत बड़ा शायर था फैज़ अहमद फैज बहुत बड़ा शायर था सही है कईयों को आप मुझे अभी बैठे हुए बड़ी बातें करते हैं मैं मैंने जब भी कोई इकबाल के बारे में मुझसे बहस किया उसको दो शेर नहीं आते इकबाल के और मुझे दसियों आते हैं दो तो इकबाल एक, एक बहुत बड़ा, बड़ा, बड़ा शायर है तू भी दो सुनाएगा तो दो गलतियां करेगा बीच में मैं गारंटी करता हूँ तुम्हें नहीं तो निकाल ही देंगे आप आप तो निकाल ही देंगे ये आपका यहाँ तक रही है कि वो बहुत बड़ा शायर है है सही वो खत्म शायरी नहीं है खत्म शायरी नहीं है ये समझाता हूँ ठीक है, है आप सर आपका point of view, सर पे। आपका आपका पॉइंट ऑफ व्यू आंखों फेवरेट शायर जो भी अच्छा शेर कहे लेकिन एक तो मैंने पूर आज से उन्नीस में एक अखबार में एक गजल आई हुई थी एक लड़की की शाहिदा बट मुझे नाम उसका याद है वो छोटी सी उसको बड़ी मुश्किल से किसी ने जगह उसका एक शेर था मुझे आज तक नहीं भूला उसका शेर था कि लौटा लौटा भी अगर दो लौटा भी अगर दूं तेरे तोहफे तेरी यादें एक मौज करीबे लब साहिल तो रहेगी वो शेर मुझे आज भी याद है तो आ, जो शेर अच्छा कहेगा देखिए अल्लाह है परपैचुअल वो मुस्तकिल ताकत और क्रिएटिविटी उसके पास हमारे पास तो कभी कभी होती है जब हम अच्छा कहें तो कहीं अच्छा है जब हम बुरा कहें तो कही है बुरा है लड़कियाँ ज्यादा जबान दराज होती हैं या लड़के आजकल कल की आप ज़ाहिर एक्सपीरियंस रखते हैं आप पचास साठ साल एज है आप बता सकते हैं पहले तय कर लो पचास साल है साठ साल साठ पचास साठ एक सौ दस साठ <laughs> मैंने आपको बता दिया था मर्द की उम्र उतनी होती जितनी वो महसूस करता है मैं हमेशा चाहूँगा वो हजरत अली करमल लावजो का कॉल है कि औरत में दो तीन खूबियाँ तीसरी मैं बताऊँगा नहीं दो खूबियाँ बड़ी पक्की होनी चाहिए एक उसको बेहद मकरूर होना चाहिए बेहद मकरूर होना चाहिए औरत को हाँ ताकि वो किसी के सामने सरेंडर ना करे वो तकबर नहीं होता जो औरत का एक वो एरोगेंस है ना उसको तकबर नहीं बोलते और दूसरी उसको बेहद बेहद कंजूस होना चाहिए तो जब ये एरोगेंस होती है ना तो उसकी बातें दरा जबान दरादी लगती हैं क्योंकि हम तो आ, मर्द होता है जो औरतें ढूँढता है यू गैर वो भावरा है ना तो लड़कियों के तो ढूंढना नहीं पड़ता तो उनको भी शडअप कॉल देनी पड़ती है तो तो जो है है है? वो लगता है कि कि hmm. तो मैं मैं आई पर्टिकुलर थिंग ऑफ गर्ल्स लाइक। आपने टीचिंग भी की है? टीचर मैंने मैंने इस तरह किया है कि किसी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया। लेकिन जब बैंकर था आई अ बैंकर ना। अच्छा, क्या थे नाइस से शुरू किया

गरीब बच्चा था वो चाहते थे आई वॉज ए वंडरफुल स्टूडेंट वो चाहते थे ये बच्चा पढ़ लिख के बड़ा अफसर बन जाए जो नॉर्मली सोच होती है तो खानदान को गुर्बत के विशेष सर्कल से निकाल लेगा मेरे यहाँ अल्लाह की देन थी वो मुझे न दिखाई देती थी उनको दिखाई नहीं देती थी मैं छपता था बेतहाशा उसके पैसे भी आते थे ग़ुरबत के दिनों में लेकिन मेरे मुझे सबसे ज़्यादा मार पड़ी है मेरे लिखने के ऊपर अच्छा। फिर फर्स्ट ईयर में मैंने रिटेलिएट किया गुस्सा रिएक्ट किया और मैंने सब कुछ जलाया और मैंने पंद्रह साल उर्दू बोली नहीं है अच्छा। उर्दू में बात नहीं की उर्दू में अपना नाम नहीं लिखा अच्छा आई बिकेम ए बैंकर उनकी वो आरजू पूरी कर दी ग्यारह साल मैंने शानदार बैंकिंग की और उसके बाद फिर आ, वापस वहीं आया वो क्या है पहुंची वहाँ की खाक जहाँ का खमीर था आए, आए, आ, आए, ये आपके लिए तो खैर नहीं कह सकते अंकल दिखो नहीं मैं ये कह लीजिए ना मुझे कोई बिल्कुल नहीं था। मुझे मैं मैं कहूँगा मैं वहाँ की वहाँ कहीं था वहाँ पहुंच गया वो पहुँचाया गया मुझे मैं अपनी मर्जी से कभी कुछ नहीं करता था ये पैशन था आपका वो बहुत कम लोग पैशन होते एक बुरा बुरा लफ्ज है आई डोंट लाइक शौक शौक पैशन ये दोनों लफ्ज मेरी जिंदगी में नहीं है मेरे वहाँ आप शौक मेरे यहाँ देंद थी अल्लाह की आप, आप की, मैं खुद आ, गई शौक रोजी बन गई आपकी नहीं मेरी देखिए रोजी रोजी तो उसने उसको भी दी है जिसका ना शौक था ना ओक़ था ना जुनून था तो ये रोजी से इसको मुंसलिक मत करो मेरे यहाँ कुदरत की देन थी और मैं खुद आगही के साथ पैदा किया गया बच्चा था तो मुझे पता था अल्लाह ने मुझे जो दौलत अदा की हुई है वो सिवाय उसके मुझसे कोई छीन नहीं सकता तो वो, वो काम आई मेरे। इंडिया से ऑफर हो एक प्रोजेक्ट इंडिया के सब ऑफर ठुकरा चुका हूँ बस कर दीजिए क्योंकि मैं वो शो मारने वाला आदमी नहीं हूँ तो इंडिया की सब हाँ मैं इतना बता दू मैं पंजाब वालों की फिल्में शायद लिखने जा रहा हूँ इंडिया

और आप हमारे यहाँ तो एहतजाज शुरू हो जाते थे इंडिया के चैनल बंद करने पर तो इसलिए हमारे लोग जानते थे उनके लोगों को वहाँ के लोग हमारे लोगों को नहीं जानते थे. अब जानना शुरू किया जब जानना शुरू किया तो उनके फ़ोन आने शुरू हो गए फिर उनको ये भी पता था कि खलील साहब हमें पता आपको गुस्सा आता है मैंने बोला गुस्सा मुझे विद्यन्ती पर आता है ऐम गुस्सा नहीं कर लेता मैं तो आप सॉरी आपकी थोड़ा सा इसको बात को और खोलिएगा मुझे समझ नहीं आई आपने जो मना किया है कि मैं नहीं करूंगा इंडिया की मेन स्ट्रीम

हमने देखा है कि हम किसी को फ़ोन करें तो वो सुनकर खुश हो जाता है हमें लगा नहीं कि हमारा फ़ोन सुन के आप खुश हुए हो तो ये उस वक्त मैं दो दफ़ा इंडिया से हो आया था बॉम्बे से होकर आया था तो मैंने कहा हुजूर पहली बात मैं आज करूँ आपसे जहाँ खुशी जहाँ तक खुशी का ताल्लुक है तो अगर आप अपने फ़ैंस में से मुझे कहीं काउंट करें तो आपको पता चलेगा मैं वो आदमी हूँ पाकिस्तानी होने के बावजूद कि आप जहाँ मुझे मिलेंगे मैं आपके पैर छूँगा लेकिन दूसरी जगह पर मैं एक पक्का पाकिस्तानी हूँ मेरा प्रॉब्लम यह है कि अभी जब आप फ़ोन रखेंगे 40 मिनट की गुफ्तू के बाद या मैं रखूँगा तो मेरे घर वाले जब पूछेंगे कि इतनी लंबी बात किससे कर रहे थे और मैं कहूँगा मैं फला से बात कर रहा था फला हस्ती से बात कर रहा था तो वो खुशी से फूले नहीं सवाएंगे लेकिन जब आप ये फ़ोन रखेंगे और आपसे कोई पूछेगा कि आप इतनी लंबी बात किससे कर रहे थे और आप जब कहेंगे मैं खलील रहमान कमर से बात कर रहा था वो पूछे खलील रहमान कमर कौन मैंने कहा इसमें मेरा कसूर नहीं है कसूर आपके सोशल मीडिया आपके मीडिया का है उस वक्त सोशल मीडिया नहीं होता था मेरा कोई चैनल आपके यहाँ नहीं चलता आपके सब चैनल मेरे यहाँ चलते हैं तो सो वी आर इंट्रोड्यूस टू एवरी ऑफ ऑफ्यूअर्स आपके यहाँ से दो दो टके का एक्टर आए तो मेरा मे, प्रेस जो है मीडिया कुत्ते की तरह पीछे भागता है दो मिलाता हुआ लेकिन आपके यहाँ मेरा बड़ा बड़ा आदमी गया लेकिन उनको मालूम तक नहीं होता कि वो आया है हमारे यहाँ खबर लगती है वो इंडिया गया हुआ है तो ये काम कर दीजिए मैं बड़ा आसान सोल्यूशन देता हूँ आपको आज जिस दिन मैं पहुँचता हूँ वहाँ तो अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रेस मीडिया को बुलाइए एयरपोर्ट के ऊपर और न्यूज़ लगवाइए कि वो आ रहा है मैं मेरा आपसे वादा मैं आपको मुफ्त फिल्म लिख दूँगा वरना कभी नहीं आऊँगा रिक्वायरमेंट है मेरा मुल्क मेरे लिए क्या तुम्हें

बिल्कुल आपकी है वो, वो तो आप बोल है। रहे हैं अच्छा मुझे ये बताएं वो मशहूर डायरेक्टर कौन था आप तो इतना कॉन्फिडेंशियल लेके चल रहे हैं जैसे कोई राज नहीं, है वो नहीं, वो ये, ये मुझे मैं ये बातें बताया नहीं करता ये वाली लेकिन आपका ये सवाल पर्टिनेंट था तो उसका जवाब दे दिया कि ताकि वो लम्बा सवाल ही ना करो मुझे सिवाय करण जौहर के आलमोस्ट इंडिया के सब बड़े डायरेक्टर्स ने फ़ोन किया हुआ चलिए ये काफ़ी अब नहीं काफी क्या एक हज़ार राइटर डायरेक्टर है वो वो कैसे टूटे खैर हम अपने तौर तौर पे पे समझ लेते हैं यश कुछ पब्लिक को समझने दीजिए पाकिस्तान में ऑस्कर आया शर्मी और बौद्ध चुनाए लेके आई डॉक्यूमेंट्री के थ्रू और कुछ लोगों ने कहा कि पाकिस्तान की नेगेटिविटी गई है इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जिन्होंने कहा नेगेटिविटी गई है दो सौ फीसद है आप एक फिल्म बनाइए एक शॉर्ट फिल्म बनाइए घटिया इमेज डिस्टॉर्टेड इमेज मेरे मुल्क का दिखाइए तो उन्होंने एक ऑस्कर रखा हुआ आपके लिए रेशमी रुमाल में लपेट के वो आपको दे देंगे फौरन उसको बोली ना यहाँ के काम करके दिखाया है यहाँ शॉर्ट भी लेना आता है उसको मैं करके दिखाया ना काम क्या होता है अच्छा हाँ वो माँ की लाल जो डायरेक्टर है हमें साबित तो करे यहाँ शॉर्ट तो ले आके सही है हाँ, फिर पता चलेगा ऑस्कर पाकिस्तान में वो कोई ऑस्कर नहीं है वो कोई ऑस्कर नहीं है उसको आप नो 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 वो कोई भी करे आप टकेगे की डायरेक्शन आती हो आपको आप मेरे मुल्क को गंदा पेंट कीजिए वहाँ जाके आपको ऑस्कर मिल जाएगा अनवर मकसूद के बारे में क्या राय है आपकी इस वक्त द मोस्ट अवेलेबल अवेलेबल हमारे पास द बिगेस्ट मैन वी हैव समझिए नेमत है खुदा वन वन की कि उनको अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे और उनका साया हमारे सर पर सलामत रखे सही बहुत बड़ा आदमी बहुत बड़ा आदमी लॉबी सिस्टम के बारे में भी बता दीजिए मेरे आखिरी आखिरी सवाल चल रहे हैं फील्ड में जो लॉबी सिस्टम होती है उसके बारे में क्या है क्योंकि कुछ चैनल्स में दूसरे चैनल्स वाले नहीं जाते दूसरे चैनल वाले वहाँ नहीं जाते ये क्या है इसमें आप भी इसका शिकार हुआ नहीं मुझे मैं इसका शिकार नहीं हुआ नहीं हुए नहीं। क्योंकि हाँ। दो जाइ्स हैं दो बड़े टाइटेनिक्स हाँ। हैं जो बोलते हैं कि यार हमारे अंडर एम्ब्रेला अगर आपने काम किया तो दूसरे के पास नहीं जाना मुझे कोई इस तरह की गुफ्तु करने की जरूरत नहीं कर सकता अच्छा मैं अपनी मर्जी से जिसके साथ जुड़ जाऊ जुड़ जाओ तो वो उसका नुकसान जरूर हुआ है मेरे यहाँ के जो सिंगल प्रोड्यूसर था उसको नुकसान हुआ है किसको नुकसान हुआ जो सिंगल प्रोड्यूसर था जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे वो एक आध ड्रा, ड्रामा बनाता था उससे क्रिएटिविटी को भी नुकसान हुआ है क्रिएटिविटी कॉम्प्रोमाइज हुई है कभी किसी ने पेमेंट खाई है और आप लड़ने चले गए वो को ऐसा माइकल लाल नहीं गुंडे दिए उसके मुझे की जरूरत नहीं पड़ती अच्छा आप खुद अकेले मैं काफी हूँ वो किसी की जरूरत नहीं है मुझे पहले पैसे देने पड़ते हैं फिर मैं काम करता हूं

पाकिस्तान में अच्छे राइटर हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत बड़ा बड़ा राइटर है पाकिस्तान आपके अलावा देखिए मैं क्यों बड़ा राइटर हूँ आप मैं एक मशहूर राइटर हूँ आप मशहूर राइटर आप बड़े बड़ा राइटर में में। कभी नहीं कहूँगा अपने आपको अच्छा हाँ सही आप मशहूर राइटर हैं हाँ उमैरा अहमद बहुत अच्छी राइटर है हमारा वो क्या है ये जो है जफर मिराज अच्छे राइटर हैं वो अच्छे राइटर है तोना 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 है खलिन भाई ठीक है कंसीडर कर लेते हैं आपके दो तीन जो भी नाम दे रहे हैं आप आप मुझे बाद में बता दीजिएगा मैं टिकट चला नदीम बहुत अच्छे राइटर अच्छा अच्छा ठीक एक और फायजा हसन फायतखार बहुत अच्छी राइटर है, हाँ। राइटर है। और भी बहुत से नाम हैं आप उनको पैसे दीजिए माकूल वो और उनको टाइम करने काम करने का वक्त दीजिए इनशाला बहुत अच्छा लिखेंगे

आई एम जस्ट आई थिंक अबाउट माई कंट्री माई कंट्रीज पीपल मैं मेरे पास जो मैं समझता हूँ इस वक्त ही इज द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन अवेलेबल इन द पॉलिटिशंस तो माई 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 सपोर्ट इज फॉर हिम मुझे लगेगा कि खान साहब यहाँ गुनेगार है मैं छोड़ के चला जाऊँगा मैं किसी ज़माने में पक्का पीपल, पा, पीपल्स पार्टी का आदमी था अच्छा हाँ तो आप भी लौटे कैसे पीपल्स पार्टी कहते ना आप वहाँ चलो अभी People's, भी वही है पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग आज पीटीआई में हैं क्यों वो लौटे हैं पीपल्स है पार्टी रही जब तक भुट्टो सलामत थी अच्छा तब तक हाँ। थे हाँ 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 खलील साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का और मैं एक जुमला हमेशा बोलता हूँ कि इस नफसा नफसी में सबसे कीमती चीज़ जो किसी के पास होती है वो होता है वक्त तो आपने अपना वक्त दिया और उस चीज़ का बहुत शुक्रिया और इस खबर तीनों हजरात रहमान कमर साहब इनके साथ बैठना मतलब मैं समझता हूँ ये ये तो आ, ये नहीं मैं बेहतर बता सकता हूँ क्योंकि नॉन स्ट्राइकर एंड पे मैं हूँ ख़तरे से खाली नहीं है और कोई भी ऐसी बात इनको बुरी लग सकती है तो आपको वो थ्रो कर देते हैं मुँह पे ये इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो बहुत शुक्रिया गिर और इस पॉडकास्ट को यहीं ब्रेक लगाएंगे इस अपने पन के साथ और इस यकीन के साथ कि आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा मुझे और खलीलुर रहमान कमर को दीजिए इजाज़त अलक्म